कक्षा 10 एक्सरसाइज 5.3 का तीसरा प्रश्न आज हम पढ़ने जा रहे हैं। इस प्रश्न के अनुसार हमें दिया है, ए दिया गया है 5, डी दिया गया है 3, ए एन की वैल्यू हमें दी गई है 50, हमें एन निकालना है और एस एन निकालना है। तो जो चीजें हमें ज्ञात है उनका प्रयोग करके, उनका उपयोग करके हमने जो हमें नहीं दिया हुआ यानी एन और एस एन हमें निकालना है। तो देखिए ए दिया हुआ है 5, डी दिया हुआ है 3। यदि आप चाहें तो इसकी एपी बनाकर देख सकते हैं, ये 5 से शुरू होगा क्योंकि पहला पद 5 दिया हुआ है, डी 3 है यानी 3-3 के अंतर पर 5, 8, 11, 14 इस प्रकार से यह एपी चलेगी। लेकिन इसकी हमें आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमें ए एन दिया हुआ है 50। जो ए एन का फार्मूला होता है वो होता है ए एन दिया हुआ है 50, तो ए एन का जो फार्मूला है वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू बी, यह बराबर है 50 के। ठीक है, इसमें ए कितना है 5, तो ए की जगह लिख दिया 5, एन हमें नहीं पता तो इसको लिख दो एन माइनस 1, डी कितना है 3, यह बराबर है 50 के। 5 यहाँ प्लस हो रहा है, जब ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस, बाकी बच गया एन माइनस 1 इंटू 3। अगले स्टेप में एन माइनस 1 मैंने सिर्फ लिखा है, यहाँ है 50 में से 5 माइनस किया तो यह आ गया 45, 3 इस ब्रैकेट के साथ गुणा हो रहा है, जब उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 3 से 45 कट जाएगा, 15 किए 45, तो हमारे पास आ गया एन बराबर 15, 1 इसके साथ माइनस हो रहा है, उधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस, यहाँ से एन हमारे पास आ गया 15 और 1 16। इसका मतलब इस प्रश्न का प्रथम भाग था एन ज्ञात करो, वो हमने ज्ञात कर लिया है और एन हमारे पास आया है 16। अब हमें निकालना है एस एन यानी कि एस 16। आइए एस एन यानी कि एस 16 हमें निकालना है। ठीक है, एस 16 हमें निकालना है। एस एन का हम फार्मूला पहले लिखते हैं, वो है एन बटा 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एस 16 कितना हो जाएगा, एन बटा 2, एन कितना है 16 बटा 2 इंटू 2 इंटू ए, ए हमारे पास कितना था 5 प्लस एन कितना है 16 माइनस 1 गुना डी, डी कितना है 3। आइए इसे हल करें, 2 के पहाड़े में 16 कट जाएगा 8, तो यहाँ हमारे पास बाकी बच गया है 8। इसके बाद ब्रैकेट के अंदर देखें 5 × 10 प्लस 16 में से 1 निकाला 15, 15 को 3 से प्लस कर दिया 45, तो ये आ गया 8 गुना 45 प्लस 10 हो गया 55। इनको हम गुणा करेंगे 8 × 5 = 40, 7 × 4 = 4, 8 × 5 = 40 और 4 = 44। इसका मतलब एस 16 यानी कि इस एपी के प्रथम 16 पदों का जो योग आया है वह आया है हमारे पास 440। तो अभी हमने देखिए इस प्रश्न में दो चीजें हमसे पूछी गई थी, एक था एन दूसरा था एस एन। हमने एन निकाल दिया 16 और एस 16 यानी एस एन निकाल दिया है 440। ठीक है, तो यही हमारे इस प्रश्न का हल था।